अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जी, व्हाट इज़ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? स्टूडेंट्स, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज गिवन बाय अ फ्रेंच केमिस्ट हुज नेम इज एंटोन लवाइजर इन 1785 एंड इन सम बुक्स इट्स शोन 1789 एंड ही सेज दैट मास नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय इन एनी केमिकल रिएक्शन। जी स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये है कि मास जो होता है, लॉ क्या होता है? लॉ का मतलब होता है एक रूल, या आप कह सकते हैं कानून। कंजर्वेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को आप जब कंजर्व करते हैं या संभाल के रखते हैं, उसको कंजर्व से वर्ड निकला कंजर्वेशन। और मास का मतलब होता है एनी थिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज सम वॉल्यूम, या जिसका कोई वेट हो या कोई जगह लेती हो। अब ऐसे मैस कह रहे हैं कि नाइदर क्रिएटेड, कि जितने भी इस वक्त मैस आपको नज़र आ रहे हैं कि ना तो आप खुद से उसको क्रिएट कर सकते हैं और ना ही उसको आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में। वो होगा ये, जिस तरह कि आप एक एग्जांपल ले लें कि अगर आपके पास वुड है, वुड किससे बनी होती है? लकड़ी से। अब ये जो लकड़ी है, हम कहाँ से लेते हैं? हम लेते हैं इसको दरख्त से, ट्रीज़ की वुड लेते हैं, ठीक है। अब ट्रीज़ जो है वो कैसे बनते हैं? वो प्लांट से, मीन्स कि ये पूरा एक सोर्स चलता आ रहा होता है। तो मैस जो है नाइदर क्रिएटेड। अब जब आप डिस्ट्रॉय की बात करते हैं, तो जब आप वुड है उसको आप बर्न करते हैं, तो आप देखें आपके पास क्या रह जाएगा? ऐश। आपने देखा कि वुड की शेप चेंज हो गई, वो एक शेप से दूसरी शेप में चला गया, ऐश बन गया, लेकिन वो डिस्ट्रॉय ख़त्म नहीं हुआ। और साथ आप देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी इससे निकलेगी, ठीक है, जो कि एनवायरनमेंट में शामिल हो जाएगी। तो अब क्या आप कह सकते हैं कि मैस नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय? ये जो लॉ था, ये किसने दिया था? एक फ्रेंच केमिस्ट थे जिनका नाम है एंटोन लवाइजर 1785 में, कि ना तो आप मास को क्रिएट कर सकते हैं और ना ही उसको आप मुकम्मल तौर पे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। वो अपनी शेप जो है वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। अगर हम डेफिनेशन की तरफ जाएँ, द दिस लास्ट स्टेट्स डूइंग अ केमिकल रिएक्शन। अभी मैं केमिकल रिएक्शन की स्टूडेंट बात कर रही हूँ। तो मैस नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय बट इट चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू एन अदर, कि जो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि मैंने भी आपको एग्जांपल भी दी है वुड की, कि अगर आप वुड को बर्न करते हैं तो उसमें से ऐश निकलेगा, तो वुड जो है जितना भी वो ऐश निकलेगा, उसके बाद जो आपके पास जो एक गैस भी उसमें से निकलेगी, वो कौन सी गैस है? एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी वेपोरेट हो जाएगी एनवायरनमेंट में। तो क्या हुआ कि मैस ना तो आपने, ये जो वुड है आपने खुद से नहीं बनाई, आपने वो ट्री से ली है, ट्री भी आपने नहीं बनाए, वो भी यानी कि प्लांट्स लगाए थे तो उससे भी आया, यानी कि पूरा प्रोसेस है। इसी तरह से सेकेंड जो डेफिनेशन आप कहेंगे कि ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, यानी कि आप जितना भी बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन भी आपने देखी कि जितने भी प्रोडक्ट्स, जितना भी टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट है जो रिएक्शन साइड पे होता है, तो जो आपके पास प्रोडक्ट आती है दोनों का मास, मास होता है वजन, वो क्या होता है? बराबर होता है। आप कहेंगे कि वुड जब मैंने बर्न की तो उसमें तो ऐश रह गया। स्टूडेंट्स, जो आपने उसमें से गैस भी तो वेपोरेट हुई एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में। अब वो जो, अगर फॉर एग्जांपल आप देखना चाहें तो आप एक कोई बीकर ले लें, उसमें अगर आप, या कोई सब एक बर्तन ले लें जिसमें हम वुड को रखें और उसको बर्न करें, और हम बर्न करें और उसके बाद जितनी भी उसमें जो गैस है, और पहले बर्न करने से पहले हम वुड का वेट कर लें, अब जितनी भी उसमें जो गैस निकलेगी या ऐश बनेगा, हम अगर उसको एक बंद फ्लास्क में या किसी बंद कंटेनर में ये एक्सपेरिमेंट करें, तो आप देखें कि हम अगर एनवायरनमेंट में वो जो उसमें से गैस है वो जो जाती है एनवायरनमेंट में शामिल हो जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में, अगर हम उसको वेपोरेट ना होने दें एनवायरनमेंट में, हम उसको कैच करके रखें एक कंटेनर में, तो आप उसका भी वेट करें और उस ऐश का भी, तो आपको दोनों का सेम लगेगा। तो आप कह सकते हैं कि टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट। सिमिलरली स्टूडेंट्स, आप अगर आप देखें एक न्यू एग्जांपल आपके सामने कि जो आपने पढ़ी भी है, बहुत फेमिलियर है, कि मीथेन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। आपके सामने मीथेन के मॉलिक्यूल्स नज़र आ रहे हैं, कि कार्बन का एक है, फोर आपको हाइड्रोजन के नज़र आ रहे हैं, फिर आपको ऑक्सीजन के भी, इनका आपको वेट नज़र आ रहा होगा कि जो मीथेन है उसका 16 ग्राम है, इसी तरीके से जो ऑक्सीजन है उसका 32 ग्राम है। अब इन दोनों को जब हमने रिएक्टेंट साइड पे, ये जब दोनों आपस में रिएक्ट हुआ, तो आपके सामने देखें ये जो मास था ये डिस्ट्रॉय नहीं हुआ। अब इसके रिएक्शन में आपके पास कुछ न्यू बन गया, ठीक है। वो क्या बना? वो एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी और साथ वाटर वेपर्स बने इन द फॉर्म ऑफ गैस, जो कि कंडेंस होकर, मैंने आपको बताया था, जो गैस की फॉर्म में होते हैं,
लेकिन हम लोग जो क्यों हम उन्हें गैस कहते हैं, क्योंकि वो ऊपर क्लाउड्स में, जब भी आपको पता है जितना भी सब भी ऊपर जाते हैं क्लाउड में कंडेंस हो जाते हैं, तो वो भी लिक्विड फॉर्म में फिर आगे रेन होती है। इसी तरीके से आप देखें कि 80 ग्राम्स अगर आपका रिएक्टेंट साइड पे मास है, तो जब आपस में मिलेगा तो प्रोडक्ट साइड पे भी 80 मास होगा। फ्रेंड्स, जिस तरह से मैंने आपको बताया पीछे केमिकल रिएक्शन के बारे में कि जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं तो उनमें टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट बराबर होता है टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के, इसी तरीके से आपके सामने अब मैं फिजिकल चेंज की बात करती हूँ। इसमें भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अप्लाई होता है। किस तरीके से आप देखें, एक ग्लास है उसमें मैंने आइस क्यूब्स रखे 100 ग्राम्स के, ठीक है, वाटर है, वाटर की फॉर्म है। अब जब वो मेल्ट हुए तो आप देखें उनकी जो फिजिकल स्टेट चेंज हो गई है, जो वाटर बना वो भी 100 ग्राम होगा, लेकिन उसकी स्टेट पहले क्या थी, वो सॉलिड थी, बाद में उसकी देखें स्टेट क्या बन गई, लिक्विड के, लेकिन फिजिकल जो उनकी स्टेट चेंज हुई, लेकिन जो उनका वेट था, मास था, वही हुआ कि मास नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। इसी तरीके से स्टूडेंट्स, आपके सामने एक एग्जांपल है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की, जिसमें बता रहे हैं कि एक सब्सटेंस है जो कि क्लोज हुआ हुआ कंटेनर में, वो चेंज नहीं होगा, लेकिन कुछ चेंज तो हो जाएगा लेकिन उसके जो मास है वो सेम रहेगा। आपके सामने जो फर्स्ट डायग्राम में फर्स्ट आपको नज़र आ रही है, उसमें आपको एक कोनिकल फ्लास्क है, कोनिकल फ्लास्क जो है वो पड़ा हुआ है एक वेट मशीन के ऊपर, और कोनिकल फ्लास्क के अंदर आपको एक छोटी सी टेस्ट ट्यूब नज़र आ रही है। उस टेस्ट ट्यूब के अंदर स्टूडेंट्स कैल्शियम क्लोराइड का सोल्यूशन है, और वो टेस्ट ट्यूब किसके अंदर डिप हुई हुई है, सोडियम सल्फेट के अंदर। जब हम ये रिएक्टेंट साइड पे हमने इसका वेट किया 180 तो वो वेट करने से क्या हुआ, 184.34 ग्राम्स इसका वेट हो गया रिएक्टेंट साइड पे। अब आप कोनिकल फ्लास्क को उतार के वेट मशीन से मिक्स करेंगे कि ताकि जो दोनों सोल्यूशन आपस में मिक्स हो जाए, और फिर हम उसको दोबारा वेट मशीन में रखेंगे, तो आप देखेंगे आपके पास एक तो दो जी स्टूडेंट्स, जब हम दोनों सोल्यूशन को मिक्स कर देंगे उसके बाद हम दोबारा वेट मशीन पे रखेंगे, हम देखेंगे कि आपके पास दो सोल्यूशन बन जाएंगे। अब होगा एक सोल्यूशन बनेगा और एक सॉलिड फॉर्म में। अब आपके पास स्टूडेंट्स, अब रिएक्टेंट फॉर्म में क्या होगा कि एक तो सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन बन जाएगा आपके पास, उसके बाद साथ ही आपके पास कैल्शियम सल्फेट जो है वो एक सॉलिड फॉर्म में वाइट प्रेसिपेट्स बन जाएंगे, जो कि नीचे बॉटम में बैठ जाएंगे। तो अब हम जब दोबारा इसका वेट करेंगे, देखिए थे दोनों पहले सॉल्यूशन यानी कि लिक्विड फॉर्म में थे, लेकिन जब हमने मिक्स किया तो वो एक सॉलिड फॉर्म में बन गया आपके पास, जिसको हम कहते हैं वाइट प्रेसिपेट्स, और जो कि सॉलिड फॉर्म में होते हैं जो कि सॉल्यूशन की वजह से बने हैं, और साथ आपके पास एक सॉल्यूशन जो है सोडियम क्लोराइड का NaCl बन गया। अब जब हम इसका वेट करेंगे तो वेट इनका वही सेम होगा 184.34 ग्राम। तो ये आपको एक्सपेरिमेंट क्या शो कर रहा है कि आपका जो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट है वो बराबर है टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के, लेकिन इसमें आप ये देखें कि दोनों का चेंज नहीं क्या हुआ कि सिर्फ उनकी शेप चेंज हो गई, उनका कुछ और चीज़ बन गई, लेकिन डिस्ट्रॉय नहीं हुआ। सिमिलरली जो आपकी बुक पे डायग्राम है, जो आपकी बुक पे भी शो किया हुआ है, उसमें भी इसी तरीके से एक्सपेरिमेंट किया हुआ है कि आपने कोनिकल फ्लास्क लेना है और उसके अंदर सिल्वर नाइट्रेट का जो सोडियम क्लोराइड का कोनिकल फ्लास्क में रखेंगे, और टेस्ट ट्यूब में हम सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन रखेंगे, वेट करेंगे, फिर उसके बाद हम उसको अच्छी तरह से जो है वो करेंगे, शेक करेंगे, मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद फिर हम उसका जो है वेट करेंगे, तो आपके पास जो है सोडियम सिल्वर क्लोराइड के जो सॉलिड फॉर्म में है वो प्रेसिपेट्स बन जाएंगे, और आपके पास सोडियम नाइट्रेट एक्वस फॉर्म में यानी कि सॉल्यूशन आ जाएगा, जो कि आपके पास इक्वेशन में भी लिखा हुआ है। और इससे हमें पता चलता है कि जो आपका टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट है, और ये जो लॉ है ये क्या वेरीफाई करता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में बताता है कि मास नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। सिमिलरली स्टूडेंट्स, आपकी बुक में एक और एग्जांपल दी गई है आयरन नेल्स की, कि अगर आप एक चाइना डिश ले लें या कुछ आयरन नेल्स ले लें, आयरन नेल्स में की ले लें, उसको वॉशरूम में रख दें, बाथरूम में रख दें आफ्टर फाइव डेज के लिए, और आप देखेंगे बाथरूम में आपको पता है कि ज़्यादा मॉइस्चर भी होता है और ऑक्सीजन जो होती है उसकी प्रेजेंस की वजह से क्या होगा कि उनके ऊपर रस्ट आ जाएगा। तो उस रस्टिंग की वजह से पहले हमने नेल का वेट लेना है और उसके रस्टिंग के बाद वेट लेंगे, तो हम देखेंगे कि जो नेल है यानी कि आयरन नेल्स है उनका रस्टिंग की वजह से वेट जो है वो इंक्रीज़ हो गया, यानी कि क्या है कि जो आयरन ऑक्सीजन है वो उस आयरन के साथ मिक्स हो जाती है। रस्टिंग किसकी वजह से आई है, ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ दी ऑक्सीजन। तो अब वो जो हो गया ये क्या बन जाएगा, ये एक्सपेरिमेंट भी है कि जब आप आयरन को ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो आपके पास आयरन ऑक्साइड Fe2O3 आ जाता है। तो इसी तरह से जब आप आयरन नेल्स लेके पहले उनको वेट करेंगे, जब वेट आप करके फिर आप उसके बाद नोट कर लें, फिर उसको 5 डेज के लिए वॉश बाथरूम में रखें, तो आप देखेंगे कि उसके ऊपर रेस्टिंग आ जाएगी और उनका वेट इंक्रीज़ कर जाएगा।